ओके जी, तो इस सेशन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे पास किसी भी एसक्यूएल सर्वर के टेबल के ऊपर अगर आप कोई भी प्राइमरी की अप्लाई करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, और अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस बना लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस। उसका नाम आप जो भी चाहते हैं वो रख लें, मैं रख देता हूँ डेमो 1 2 3। इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद आप इसको यूज कमांड के थ्रू सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको लाजमी है कि अगर आप डेटाबेस बनाते हैं तो उसको सिलेक्ट लाजमी करें। ओके जी, वरना आपके टेबल मास्टर डेटाबेस में बन रहे होते हैं जो आपको फिर उस डेटाबेस में नजर नहीं आते। तो हम एक क्रिएट कर देते हैं टेबल, नाम होगा उसका स्टूडेंट, उसके अंदर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, और इसको आप आइडेंटिटी भी दे सकते हैं ताकि उसके अंदर आपको उस कॉलम की वैल्यूज यूजर से ना मांगनी पड़े। तो एक कॉलम है आईडी जिसके ऊपर हमने प्राइमरी की को अप्लाई कर दी है। आप भले कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट का नाम नहीं भी देते तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली असाइन कर लेता है। अच्छा जी, उसके बाद आप दूसरा इसका जो भी कॉलम है वो डिफाइन कर देना है। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड वर्चार एंड इट विल बी नॉट नल, के नाम के इस समझ लें के कॉलम के अंदर कोई नल वैल्यूज अलाउ नहीं होंगी। तो हमारा एक सिंपल सा टेबल बन चुका है जिसके थ्रू हम उस पे प्राइमरी की अप्लाई कर रहे हैं। सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम डेटाबेस की तरफ मूव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे एक बार। डेटाबेस का नाम था डेमो 1 2 3। तो आप इस डेटाबेस के अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाके देखेंगे टेबल्स के अंदर, तो एक टेबल हमारा बन चुका है। उसके अंदर दो कॉलम है, एक के ऊपर आपको प्राइमरी की नजर आ रही होगी, लेकिन कीज के अंदर अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको उसका कंस्ट्रेंट भी नजर आ रहा होगा। राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, या रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे। रीनेम पे क्लिक करने के बाद आप ये इसका नाम कॉपी कर लेंगे। अब आपने प्राइमरी की अप्लाई तो कर ली, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे? तो आप लिखेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है जी, तो ड्रॉप कैसे करेंगे प्राइमरी की को? अब तो प्राइमरी की को ड्रॉप करने के लिए आपको सब अल्टर कमांड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे अल्टर टेबल, उसके बाद फिर आप लिखेंगे टेबल का नाम स्टूडेंट, फिर आप लिखेंगे ड्रॉप, और उसके बाद आपके उस कंस्ट्रेंट का नाम, कि हम अल्टर करना चाहते हैं टेबल का स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्टूडेंट, और हम ड्रॉप करना चाहते हैं इस कंस्ट्रेंट को। यू डोंट हैव टू राइट अ प्राइमरी की ओवर है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस कंस्ट्रेंट का नाम लिखना है और आपने ड्रॉप उसके साथ लगा देना है विद अल्टर कमांड। तो ऑटोमेटिक जो आपने प्राइमरी की अप्लाई की थी वो ऑटोमेटिक आपकी रिमूव हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट के टेबल पे क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, कीज के ऊपर जाएंगे या कॉलम्स के ऊपर जाएंगे तो अभी इस पे कोई प्राइमरी की नहीं है। तो आप इस तरह से कमांड के थ्रू कोई भी प्राइमरी की अप्लाई भी कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं।